आईएमएफ के दबाव पर पाकिस्तान रेलवेज़ के अहम मंसूबे ML1 की लागत में 3 अरब डॉलर से ज़्यादा कमी कर दी गई है। ज़राए के मुताबिक पेशावर तक कराची मंसूबा 9 अरब 80 करोड़ डॉलर्स के बजाय 6 अरब 70 करोड़ डॉलर्स में मुकम्मल होगा। ट्रेन की ऑपरेशनल स्पीड 160 किलोमीटर फी घंटा से कम करके 140 किलोमीटर फी घंटा तक कर दी गई है। तमाम पुल नए बनाने के बजाय सिर्फ मखसूस मकामात पर अपग्रेडेशन होगी। मजीद जान लेते हैं, इस्लामाबाद में समग्र नुमाइंदा खसूसी शकील अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। जी शकील साहब, बड़ा मनसूबा है, इस पर बड़ा कट लगाया गया है। जी हाँ, ये बड़ा मनसूबा है। पेशावर तक कराची 1750 किलोमीटर तवील रेलवे का ये मनसूबा है। ट्रैक को अपग्रेड किया जाना है। इब्तदाई लागत 9 अरब 80 करोड़ डॉलर थी, लेकिन IMF के दबाव पर इसे 6.7 अरब डॉलर कर दिया गया है, क्योंकि सावरन गारंटी चाहिए होगी, चीन से इसके लिए कर्जा लेना पड़ेगा और IMF पहले ही इतराज कर चुका है कि पाकिस्तान का चीन पर बहुत ज्यादा इनसार है। तो 3 अरब डॉलर से ज्यादा कमी की गई है इस मनसूबे में। इसके डिजाइन में तब्दीली की गई है और PC1 जल्द मंजूर होगा और वज़ीर आज़म के चीन के दौरे के दौरान इसमें पेशरफ का इम्कान है। फेज 1 में 2.7 अरब डॉलर, फेज 2 के दौरान 2.6 अरब डॉलर और फेज 3 में 1.4 अरब डॉलर खर्च होंगे। पेशावर ता कराची रेलवे ट्रैक को अपग्रेड किया जाएगा और फेज 1 अगले साल शुरू होने का इम्कान है। 5 साल में मुकम्मल होगा। फेज 2 में 7 साल लगेंगे और फेज 3 4 साल में मुकम्मल होगा। ट्रेनों की ऑपरेशनल स्पीड 160 से कम करके 120-140 किलोमीटर की गई है और इसके अलावा पेशावर तक कराची तमाम रेल पुल नए बनाने के बजाय बास की अपग्रेडेशन की जाएगी और मुल्क में 134 नई ट्रेनें जो है वो चलेंगी। बहुत शुक्रिया आपका शकील अहमद।